हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांत। जैसा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी शुरू हो गया है। ये बीमारियां हमें आसानी से तभी लगती हैं जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए सर्दियों में डाइट में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। पुरुषों को मौसमी बीमारियों का खतरा लगने का डर भी ज्यादा रहता है, क्योंकि पुरुष अधिकतर समय घर से बाहर रहते हैं और लोगों से मिलना जुलना भी काफी रहता है। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए पुरुषों को ऐसी चीजें डाइट में शामिल करनी चाहिए जो उनकी इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ शरीर को ताकत भी दें। ये चीजें खाने से सर्दी आसानी से नहीं लगेगी और शरीर को गर्म भी बनाकर रखेंगी। तो आइए जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें पुरुषों को सर्दियों में जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नंबर 1, खजूर। खजूर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी आदि पाए जाते हैं। नियमित रूप से खजूर को डाइट में शामिल करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। साथ ही इसको खाने से पुरुषों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। खजूर शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। नंबर 2, अंजीर। अंजीर शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसको खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, जिससे पुरुष बीमार नहीं पड़ते। अंजीर में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसको नियमित खाने से कब्ज की परेशानी दूर होती है। अंजीर में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन सी आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अंजीर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नंबर 3, नट्स। नट्स शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, खासकर सर्दियों में इन्हें खाने से शरीर को गर्माहट मिलने के साथ मौसमी बीमारियों से भी शरीर की रक्षा होती है। नट्स में आप मूंगफली, बादाम, किशमिश, काजू और पिस्ता आदि को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और दिल को भी हेल्दी रखते हैं। नंबर 4, तिल। तिल शरीर के लिए हेल्दी होता है। सर्दियों में अधिकतर लोग तिल खाना पसंद करते हैं। तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन और आयरन आदि पाए जाते हैं। तिल को खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है और इसको खाने से शरीर को एनर्जी भी मिलती है। जो पुरुष सर्दी में बॉडी बनाने की सोच रहे हैं, उन्हें डाइट में तिल को अवश्य शामिल करना चाहिए। नंबर 5, गुड़। गुड़ शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुड़ शरीर को गर्म रखने के साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। गुड़ शरीर में खून की कमी को दूर करता है। पुरुष अगर नियमित इसका सेवन करते हैं तो इससे कमजोरी दूर होने में मदद मिलती है। गुड़ में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन और फॉस्फोरस आदि पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व शरीर को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ये सभी चीजें पुरुषों को सर्दियों में अवश्य शामिल करनी चाहिए। ये सभी चीजें महिलाओं के लिए भी उतनी ही फायदेमंद हैं जितनी कि पुरुषों के लिए। महिलाएं भी अपनी डेली डाइट में इन सभी चीजों को शामिल कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको कोई बीमारी है या एलर्जी है तो डॉक्टर से पूछकर ही इनका सेवन करें।